हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 8th की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 3 लेकर आई हूँ। बच्चों, 23 डेट की है। ओके, अब ये जो वर्कशीट है उसकी हेडिंग जो दी है वो है यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन। जब यूरोप के व्यापारी भारत में आए थे तब के बारे में इस वर्कशीट में जानकारी दी गई है। ठीक है बच्चों, तो लिखा है 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। उसमें क्या होता था, आकर्षक फूल पत्ती, बारीक रेशे, सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। ठीक है, क्योंकि सब कुछ सस्ता होने के बावजूद भी उसकी फूल पत्ती, बारीक रेशे इतने अच्छे होते थे कि इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़े पहनने पसंद करती थी। ठीक है, भारतीय कपड़े से बने परिधान पहनती थी। अब आगे लिखा है, दुनिया के बाजार पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। ठीक है बच्चों, आगे लिखा है, डच, फ्रेंच और अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया, क्योंकि जो इंडिया का व्यापार था कपड़े का वो इतना अच्छा था, तो उससे जो थे व्यापारियों ने बहुत ही फायदा पहुंचा, उनसे व्यापारियों को बहुत मुनाफा हुआ। ओके, क्या आप बता सकते हैं कि ये मुनाफा उन्हें किस तरह हुआ? अब बच्चों, जब उन्होंने सूती कपड़े की बहुत अच्छी तरह से कारीगरी करके, फूल पत्ती बना करके सस्ते कीमत पर उपलब्ध कराया कपड़ा, तो उनकी मांग बढ़ गई। ठीक है, तो क्या हुआ, पिछली कक्षा में, आगे उन्होंने जो पूछा है, पिछली कक्षा में सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तक के अध्याय 8 में बाजार में एक कमीज की कहानी आपने पढ़ी होगी। इसमें आपने जाना था कि कमीज बेचने वाले निर्यातक और व्यापारी किस तरह लाभ कमाते हैं। आइए इसे समझने के लिए एक गतिविधि दोहराते हैं। अब बच्चों, जो भी आपको ये जो एक्टिविटी दी गई है वो इसी आधार पे दी गई है कि आप अच्छे से समझ जाएं कि इस वर्कशीट में आपको क्या बताया जा रहा है। ठीक है, कि किस तरह से कमीज बेची गई, कमीज के बारे में थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से प्रॉफिट होता है। अब लिखा है, एक कमीज बनाई हुई है, उस पर कीमत लिखी है। ठीक है, विज्ञापन की भी लिखी है। अब लिखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़े की एक दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई। इन कमीजों की कीमत $26 या 1200 रुपये रखी गई। ठीक है, अब जो ये चित्र में दिखाया गया है उसके बारे में बताया, दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पे बताया गया है बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका के कमीजों के व्यापारी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीज ₹ प्रति कमीज के हिसाब से खरीदी। कितने रुपए प्रति के कमीज के हिसाब से, सबसे नीचे लिखा है बच्चों, क्रय मूल्य लिखा है ₹200, तो यहाँ पर ₹200 आएगा। फिर उसने रुपए संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च किए। अब बच्चों, इस शर्ट के ऊपर सारी वैल्यू लिखी हुई है, सारी कीमत लिखी है। विज्ञापन के लिए उसने ₹300 खर्च किए। उसके बाद लगभग प्रति कमीज ₹ स्टोर में रखने, प्रदर्शन व अन्य मद में खर्च किए, यानी कि ₹100 उसने जो भी एक्स्ट्रा खर्चे थे उसके ऊपर, जो भी एक्स्ट्रा खर्चा हुआ था कमीज का स्टोर करने में, उसकी रख रखाव में, तो उस पर ₹100 खर्च किए। इस तरह से इस व्यक्ति को कमीज की लागत पड़ी कितनी, ₹600। ठीक है बच्चों, ₹600 की उसे कमीज पड़ी, जबकि उसने बेची कितने में, ₹1200 में। ठीक है ना, तो उसको पूरा का पूरा ₹600 का मुनाफा हुआ। ठीक है, एक कमीज पर उसे ₹600 का मुनाफा होगा, यहाँ पर ₹600 लिखा जाएगा। वह जितनी अधिक संख्या में कमीजें बेचेगा उतना ही उसे अधिक लाभ होगा। तो ये एक तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया था जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने थे। ठीक है, तो इस तरह से सामने कमीज रखी हुई है, उसके ऊपर सारी वैल्यू रखी हुई है, आप उसमें से देखकर इसको भर सकते हो। आगे लिखा, इधर दिल्ली के वस्त्र निर्यातक ने ₹200 प्रति कमीज के हिसाब से जो कमीजें बेची उसमें कपड़ा व कमीज में लगने वाले कच्चे माल का मूल्य ₹70 प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। ठीक है, अब एक और दिल्ली का व्यापारी है जिसने कि ₹100 प्रति कमीज के हिसाब से बेची है, उसको जो भी कमीज का खर्चा हुआ है कच्चा माल वगैरह लाने में ₹70 पड़ा है। ठीक है,
कारीगरों या कामगरों की मजदूरी उसे पड़ी 15 रुपये प्रति कमीज। एक कमीज को बनाने में 15 रुपये का उसका खर्चा पड़ा जो कारीगरों की तरफ से, ठीक है, और कार्यालय चलाने का खर्च उसे 15 रुपये प्रति कमीज की दर से हुआ। तो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। और बच्चों बॉक्स में नीचे लिखा हुआ है निर्यातक। निर्यातक किसे कहते हैं? वह व्यापारी जो दूसरे देशों को सामान बेचता है। और आयातक कौन सा होता है बच्चों? वह व्यापारी जो दूसरे देशों से सामान खरीदता है, ठीक है। तो निर्यातक और आयातक भी आपको मालूम होना चाहिए किसे कहते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा देती हूँ। पहली एक्टिविटी तो आपके सामने है जो इन्होंने दी थी, तो वो किस तरह से है लिखा है, वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाला लाभ की गणना कीजिए। तो बच्चों तुम्हें मालूम है कि कमीज का विक्रय मूल्य कितना है? 200 रुपये, 200 में बेच रहा है ना वो। और लागत उसकी क्या है? कच्चा माल प्रति कमीज 70 रुपये पड़ता है, मजदूरी पड़ती है उसे 15 रुपये, कार्यालय का खर्च पड़ता है 15 रुपये। तो टोटल कितना हो गया? 100 रुपये हो गए, ठीक है ना। तो 100 रुपये में से 200 रुपये की कमीज जब वो बेच रहा है और 100 रुपये की उसकी एक कमीज की लागत पड़ी है, तो उसे लाभ कितना होगा बच्चों? 200 माइनस 100 इज़ इक्वल टू 100, ठीक है। तो उसे 100 रुपये का लाभ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है वर्कशीट के हिसाब से, क्योंकि पहली तो हमारी एक्टिविटी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 18वीं सदी के आखिर तक सूती कपड़ों के व्यापार में भारत और इंग्लैंड के आयातक और निर्यातक देश को पहचानिए। तो आंसर है, निर्यातक देश है भारत और आयातक देश है इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा है 18वीं सदी के आखिर तक इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग के क्या कारण थे? तो आंसर है, आकर्षक डिज़ाइन। नंबर 2 है बारीक रेशे। तीसरा है अच्छी क्वालिटी और सस्ती कीमत, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की वर्कशीट। अगर मेरा वीडियो बच्चों आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।